हेलो एवरीबॉडी, आप सभी हैं अभी एवरीडे स्माइल चैनल पर। मैं सुधा सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं झींगा की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जिसे तोरई भी बोला जाता है। इसके लिए मैंने लिया है पोस्तों के कुछ दाने, मतलब आधा कटोरी के करीब, आधा से भी कम। थोड़ी सी जीरा, 5 पीस गोल मिर्च, लहसुन, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, एक हरी मिर्च, अदरक 1 इंच और एक प्याज। तो पहले तोरई को छील लेंगे, इसके छिलके उतार लेंगे। ये जो धारियाँ बनी हुई हैं ना, इन धारियों को भी छील कर हटा देंगे, क्योंकि ये छिलके थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसकी मदद से इसे छील लेते हैं और पोस्तों को फूलने के लिए दे देते हैं, ताकि मिक्सी में जल्दी से पिस जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर छोड़ दिए हैं इसे फुलाने के लिए। अब झींगा को काट लेते हैं। सारा झींगा को मैंने इस तरह से छीलकर इसके छिलके हटा दिए हैं। अब एक काम और करना है, इसके डंठल को जब काटेंगे तो इसको टेस्ट कर लेना है जीभ पर रखकर कि ये कहीं कड़वा तो नहीं। अगर एक भी झींगा आपका कड़वा निकला तो सारा सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो सारे झींगों को काटने के समय इनके डंठल को जब भी काटे तो अपने जीभ पर रखकर थोड़ा सा मुंह में रखकर टेस्ट कर लें, कहीं कड़वे तो नहीं हैं। अगर कड़वे हैं तो उन्हें निकाल दें और इसे अब छोटे छोटे पीसों में काट देते हैं। कढ़ाई गरम करके मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें डाल रहे हैं जीरा, कटी हुई प्याज, और प्याज को 2 से 3 मिनट भून लेते हैं ब्राउन होने तक। प्याज भून चुके हैं, अब इसमें कुछ सूखे मसालों को डाल देती हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच, आधा चम्मच मैं और डाल दे रही हूँ, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च। अब इनको 1 मिनट भून लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं पोस्तों, जीरा, टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट। झींगा में पोस्तों डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट भून लेते हैं। मसाला भून चुका है, अब इसमें डाल देंगे झींगा। ये देखिए मसाला से तेल अलग हो रहा है। इसमें डाल देंगे कटा हुआ झींगा। अब इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, 1-2 मिनट चला के। ताकि मसाले जो है वो झींगा में लग जाए। और मसालों को मैंने मीडियम फ्लेम में भूना है, 3 से 4 मिनट लगे थे मुझे मसाले भूनने में। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक कम डालिएगा, इसकी क्वांटिटी देखकर नमक नहीं डालना है, क्योंकि ये पकने के बाद बहुत ही कम हो जाती है इसकी क्वांटिटी, इसकी अनुसार नमक डालना है।
अभी देखने से लग रहा है कि पूरा भरा हुआ है कढ़ाई, लेकिन पकने के बाद ये बहुत ही थोड़ा सा रह जाएगा। नमक डाल दिए हैं, अब इसे हम ढक देते हैं एक ढक्कन से, और इसमें पानी नहीं डालना है। इससे जो पानी निकलेंगे उसी से झींगा हमारा पक जाएगा। इसका अपना पानी बहुत होता है इसमें। इस तरह से एक ढक्कन लेके ढक देते हैं। 2 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा रही हूँ। ये देखिए पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। शुरू में जब झींगा डालेंगे मसाले के साथ भूनेंगे, उस समय गैस को थोड़ा मीडियम रखिएगा और नमक डालने के बाद भी मीडियम ही रहने दीजिएगा। उसके बाद जब हम ढक्कन से कवर करेंगे तब इसका फ्लेम जो है गैस का फ्लेम एकदम ही सिम पर करके हम इसे पकाएंगे। यह देखिए इसमें पानी निकलना शुरू हो गया है। ऊपर से पानी देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर 2 से 3 मिनट के बाद इसके ढक्कन को हटाकर देखते रहना है और चलाते रहना है बीच बीच में, ताकि सब्जी जो है वो जले नहीं और अच्छी तरह से पके। मैं फिर से इसे कवर कर दे रही हूँ। झींगा की सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें धनिया पत्ती डाल देते हैं कटी हुई, और इसको बनाने में मुझे 15 मिनट लगा है। और जैसा कि मैं पहले बताई, मैं इसे सीम में कर दी थी ढकने के बाद। और ये देखिए मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए। इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो इसमें आधा कप पानी डाल दीजिएगा, या थोड़ा और पहले गैस को बंद कर दीजिएगा, पानी नहीं डालेंगे तो। सब्जी एकदम बनकर तैयार है। आइए इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। सब्जी को अब बाउल में निकाल लेते हैं परोसने के लिए। बहुत ही सुंदर कलर आया है, सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से एक बाउल में निकाल के परोसेंगे। मसालेदार पोस्तो मसाले के साथ ये सब्जी, झींगा की सब्जी तैयार है, और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी ये विधि पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय 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 फ्रेंड।